हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। तो हम सॉल्व कर रहे थे नॉन वर्बल एनालॉगी के कुछ क्वेश्चंस। हमने बाकी क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर है 25। अगर आप इन दो फिगर्स को देखें तो इसमें आप देखोगे बेसिकली ये फिगर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको भी ऐसे रोटेट करेंगे 90 डिग्री को इस डायरेक्शन में, तो ये जो लाइन है वो ऐसे हो जाएगी। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन है ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। 26 में अगर आप ध्यान से देखोगे 1, 2, 3, 4 हैं ये, और ये बाद में 1, 2, 3, 4, 5 बन गए, और इस लाइन को 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो ऑब्वियसली ट्राइंगल है, ट्राइंगल की भी एक साइड बढ़ा देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर और इस लाइन को अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो स्क्वायर के दो ऑप्शन हैं, और उसमें भी 90 डिग्री रोटेट करने के बाद एक यही ऑप्शन है। तो 26 का है ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। आप देखो इसमें क्या करा है, प्लस को प्लस कर रख दिया, इसको उल्टा कर दिया, और इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया और फिर उल्टा भी कर दिया। तो जी को हम देखेंगे, जी वाला यहीं रहेगा लेकिन उल्टा लिख देंगे। तो देखो किस ऑप्शंस में जी उल्टे पे है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी ऑप्शन में जी सिर्फ डी में है जो इधर है, तो इसका मतलब आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 27 का आंसर है डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28। ये देखो इन्होंने क्या करा है, ये चीज़ जो है इधर वो इधर कर दी है, और क्या कहते हैं जैसे ये लाइन ऐसे जा रही है तो ऐसे कर दी है। तो आप ये देखो ऐसे लाइन का हमेशा ऐसे बनेगा, तो आप ये वाली लाइन को ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ऐसी लाइन सिर्फ में दो ऑप्शन में है, बी और सी में। फिर उसके बाद देखो इन्होंने क्या करा है, सर्कल ऐसे था और हाफ फिल्ड यूं था नीचे का हिस्सा, लेकिन जब यहाँ पे आया तो सर्कल इधर से हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ऐसे ना फिल्ड होके ऐसे फिल्ड होएगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सिर्फ सी में है। तो हमारा 28 का आंसर है सी। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी।